ये उपराला ना जी पिछले साल तो शुरुआत होया सी कि जिहड़े जरूरतमंद परिवार ने जिन्हां दा कोई सहारा नहीं अपनी रोजी रोटी बहुत मुश्किल चला पा रहे ने उन्हां दी घर दी जो है स्थिति नूं सुधारन वास्ते एक असी सेवा शुरू कीती सी गुरु कृपा निवास तो जिन्हां दे घर अधूरे ने उन्हां नूं कंप्लीट करना और जिन्हां दा बिल्कुल ही माड़ी हालत विच उह नवें सिरों बनाना तो एक तरह की गरीब आवास योजना समझ लो असी इनू नाम दिता गुरु कृपा निवास तो ये हूँ तीसरा घर है जिहड़ा बन के कंप्लीट है नवें सिरों बनाया भैन जी मेरे नाल खड़े ने ये दोनों बच्चिया ने बेटा है बहुत मुश्किल स्थिति सी कच्चा घर से उसनों असी तोड़ के फिर नवें सिर तो 2 BHK सैट तैयार किया है जिदी ओपनिंग वास्ते गवर्नर साहब आ रहे हैं और अगे असी 10 प्रोजेक्ट जिहड़े ने इकट्ठे शुरू कर लगे हैं जी। दो घर असी पहले बना चुके हैं दो पहले रेनोवेट किए ने जी लेकिन तीसरा असी नवें सिरों तो बनाया तो मेरी यही सोच है कि जे समाज के जिहड़े सौखे लोग ने अगर वो अपनी डोनेशन की जिहड़ा रुख है हुण मंदरां गुरुद्वारां पासों हटा के वो जरूरतमंद परिवारों वल रखन तो फिर समाज में बहुत वड्डा बदलाव आ सकता है तो मैं तो यही बेनती करांगा कि इस मुहिम नूं और इस सेवा नूं वध तों वध आपां दूर तक लैके चलीए गवर्नर साहब दे आण दे नाल साडी होर हौसला अफजाई हुई है वह 2-4 मिनट च पहुँचन वाले ने तो मैं सारयां दा अज दे इस टाइम दे उत्ते बहुत खुशी प्रगट करदा ये परिवार जिहड़ा परिवार बहुत औखी स्थिति सी अज महाराज दी कृपा दे नाल ये मिडल क्लास फैमिली दे विच तब्दील हो चुकिया है। थैंक यू जी। मैं बहुत बहुत खुश आई वीर जी मेरे बच्चे भी खुश ने मैं भी खुश ने शुक्र मेरे बाबा जी ने मैंने इत्थे तक पहुँचा छड़िया वीर जी। पहले वीर जी मैं बहुत गरीब हाँ वीर जी मकान मेरा कच्चे मकान हाँ कोठे मेरे चोना हाँ एक बार मेरे कोठे चो कड़ी भी डिग गई मेरे बच्चे बच गया फिर मेरे पापा जी ने मैनू करी दी मैं करी पाया उस तो बाद भी मैं तरपाल लै लैके पाती रही मेरे कोठे च मेरा बहुत चोना हाँ कोठा मेरा बाबा जी ने संपर्क मेरा पापा जी ने कराया हरभजन सिंह आया पापा जी का नाम बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी का भी वीर जी मैं बहुत खुश आया। कृपा
परिवार है जी। कितने पैसे खर्च किए इस पे आपने? 10 लाख का खर्च बजे। अच्छा, बाकी आपका तो ज्यादा तजुर्बा होना जी। परिवार में सद लियो जी। इसको पीछे से पकड़ लेंगे कोई। बहुत एक मुहिम बाबा जी ने शुरू की है, बहुत अच्छा। जो सरकार के सपने थे और जो गुरु नानक साहब की टीचिंग्स थी, दोनों को मद्देनजर रखे बहुत एक अच्छा काम किया और इस सब जगह सराहना मिली। ये तीसरा प्रोजेक्ट है इनका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा दरवाजे खोल दे। हाँ जी, गांव का तालाब है जी। ये गांव का तालाब, गांव। तो ये जमीन, ये परिवार की सभी इधर, इसके ताया जी हैं बच्चे के बगल में, सारे घर जो है। सरकार का जमीन नहीं, नहीं नहीं, सब तसल्ली डी साहब ने करके जी। वैल्यू रिकॉर्ड सभी पेपर्स पहले वेरीफाई करके तभी यहाँ पैसा लगाया। कोई डिस्प्यूट तो कार में लिखो गया। आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो। हाँ जी, 2 BHK 2 बेडरूम हो गया ना जी। 2 बेडरूम हुआ, किचन हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बाथरूम, ड्राइंग रूम हो गया। ये ड्राइंग रूम लॉबी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक चलिए। देखो वीडियो बनाने में कितना समय लगा? 4 महीने। ठीक है, बहुत अच्छा जी। गवर्नर साहब मंच पे आ चुके हैं। मैं अपने चौधरी कंवरपाल जी, माननीय मंत्री जी, घनश्याम दास जी, माननीय विधायक जी, चौधरी बलवंत जी, XMLA सडौरा, सरदार गुरविंदर सिंह जी दमीजा, और गणमान्य अतिथि, और पंडाल में बैठे भाई और बहनों, आज ये खुशी का दिन उस परिवार के लिए नहीं, अपने सारे सबके लिए, कि एक और परिवार जो के BPL परिवार था, जो के गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी जी रहा था, गुरु की कृपा और आप सबके सहयोग से आज वो परिवार मिडिल क्लास परिवार बन गया। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में उपदेश है, खालसा सो जो निर्धन को पाले,
हमारे समाज में एक ये भी कहावत सनातन धर्म के अनुसार कि नर सेवा नारायण सेवा, कि अगर आप किसी जरूरतमंद परिवार की सेवा करते हैं तो आप ये समझिए कि आप भगवान की सेवा करते हैं। पिछले साल ये सेवा आरंभ हुई, यमुनानगर में एक परिवार की सेवा की गई, उनको धर्म परिवर्तन की ऑफर थी, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी वो अपने धर्म पे खड़े रहे। जब हमें पता चला तो हम उस परिवार में पहुंचे, उनकी जो स्थिति बहुत दयनीय थी उसके बाद उस परिवार पे तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च करके उस घर को रेनोवेट करके अच्छी स्थिति में लाए। उसके बाद जितने लोग सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ हमारे साथ वैसे भी जुड़े थे, उन सबका यही दबाव था कि आप इस सेवा को मत छोड़िए, आज जरूरत है। आज गुरुद्वारे मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, बहुत बन चुके हैं, आज समाज को उठाने की जरूरत है। तो फिर दूसरी सेवा जो है मिल सुखी गांव में शुरू की गई और फिर 30 जून को उसका उद्घाटन तब की जो डीसी थी अमना तस्नीम जी ने की, फिर ये तीसरी सेवा यहाँ आरंभ हुई। और आज हमें बड़ा फख्र है, बड़ा मान है कि हमारे महामहिम राज्यपाल जिन्होंने अपने कर कमलों से इस घर का उद्घाटन करके एक हमें इतनी ऊर्जा दी कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमें कितना उत्साह मिला है। और मैं धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, कुछ गर्मी का आज सबब बन गया, तो मैं महामहिम जी का आया कदम कदम अपने समाज और अपनी संस्था के सिर मत्थे मानता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी साहब का, हमारे यमुनानगर जिले की, हमारे हरियाणा की शान है, और पहले स्पीकर और अब मंत्री के रूप में बहुत लोगों की सेवा का इन्होंने जो बीड़ा उठा रखा है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं, विधायक घनश्याम जी का भी, और दमीजा साहब विशेष तौर से पहुंचे उनका भी, हमारे धर्म के प्रमुख सिंह साहब यानी गुरुभजन सिंह जी विशेष तौर से इस खुशी में शामिल हुए, क्योंकि इनका ये कहना था कि सिख समाज में पता नहीं कितने धार्मिक आगू हैं कि गिनती नहीं, पर आप पहले हो जिन्होंने ये सेवा का रुख इस तरफ किया है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं मंच पे विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों का भी धन्यवाद करता हूँ, आप सब संगत का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे गवर्नर साहब ने ये एक जोश दिया जब मुलाकात हुई कि आप इस सेवा को यहां ना रोकते हुए दुगने चौगने जोश से आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। तो हमने मन बनाया, इसके बाद जहां पहले मेरा मन था कि मैं ब्रेक लूंगा क्योंकि ये बहुत कठिन काम है, कह देना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल है, कोई 10-20 हजार का काम नहीं, दसियों लाख आप सब समझते हो जिन्होंने घर बनाए हैं कि क्या व्यवस्था बनती है। तो साहब ने इतनी ऊर्जा हमें दी कि आप निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, हम पूरा सहयोग करेंगे। उस ऊर्जा के बाद मैंने मन बनाया कि हम अगले महीने एक साथ 10 घरों की शुरुआत करेंगे। तो मैं इतनी विनती करूंगा कि कार्यक्रम थोड़ी देरी चलना है, मैं विनती करूंगा कि दमीजा साहब सिर्फ 2 मिनट के लिए, मैंने उनके लिए। महामहिम राज्यपाल आदरणीय सत्यदेव नारायण आर्य जी, हमारे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह जी, आदरणीय सरदार गुरबचन सिंह जी, भाई दमीजा जी और पूजनीय संत जी, बहुत ही अच्छा काम शुरू किया। मेरा कोई जो लोग मुझे बुलाने गए थे कोई परिचय मेरा था नहीं, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि हमें एक ऐसा काम हमने शुरू कर दिया,
तो ऐसा काम शुरू करने वाला मेरे पास तो पहले ही इख्तियार था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस काम में किसी ने शुरुआत की। देश में बड़ी समस्या है, मैं समझता हूं कि जो सरकार काम करती है सरकार की बजाय अगर समाज काम करता है तो बहुत ही उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया होते हैं। कारण क्या है, एक तो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी, अरे एक आदमी कतई जेन्युइन होगा जिसने जरूरत है। तो जब गांव बैठका या समाज बैठका या संस्था बैठका काम करेगी तो वो कतई गांव में तो उस आदमी ने चुनेंगे जिसने सही मायने में जरूरत है। तो एक बहुत ही अच्छा कार्य है संत जी ने शुरुआत की, तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ इसके लिए, इस अच्छे काम के लिए। और मैं अपनी ओर से 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं एक दोबारा माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने जेपी नड्डा जी है कुरुक्षेत्र तो है तो गुस्ताखी क्योंकि निकलना पहले, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि मुझे निकलना पड़ रहा क्योंकि उनका टाइम 3 बजे का है और मुझे 1.5 घंटा यहाँ से लगेगा, इसलिए माफी चाहूंगा गवर्नर साहब से भी आपसे भी कि मैं बीच में जाना पड़ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद है कंवर पाल जी का। मैं इसी कड़ी में आगे घनश्याम दास जी अरोड़ा उनसे भी निवेदन करूंगा, वो भी अपने विचार रखें। मंत्र राजमान महामहिम राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, मेरे सहयोगी विधायक बलवंत सिंह जी, अभी जो शिक्षा मंत्री बोल कर गए हैं श्रीमान कंवरपाल जी, धमीजा जी, संत जी, गुरबचन सिंह जी, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए मेरे मित्रों, मातृशक्ति, एक बहुत अच्छा कार्य संत जी के द्वारा किया गया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। परंतु कार्यक्रम में आना, भाग लेना, सुनकर चले जाना और प्रशंसा के 2 शब्द कहना हम सब के लिए ये ही पर्याप्त नहीं है। आज फैसला आपने ये करना है कि जो पवित्र कार्य संत जी ने किया, हम में से समाज के कितने लोग उस काम को आगे बढ़ाकर, जो लोग अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था के मकान में रह रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है और मकान सबसे पहली जरूरतों में से एक है, इनके द्वारा किए गए काम से प्रेरणा लेते हुए कितने सज्जन, कितनी माताएं, बहनें, कितने जेंटलमैन यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएंगे कि हम भी इस काम को संत जी के माध्यम से अपने आप स्वयं को न्यास बनाकर समाज के प्रतिष्ठित लोगों को जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यदि हम में से कोई भी व्यक्ति ये संकल्प लेकर जाता है तो मैं निश्चित रूप से ये मानूंगा कि इस कार्यक्रम का करने का लाभ हुआ और जो संत जी ने एक बहुत बड़ा सुंदर अच्छा प्रशंसनीय कार्य किया है, आपने उसको मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से स्वीकार किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टेबल ट्रस्ट द्वारा बाल छत्पर गांव में आयोजित गुरु कृपा निवास उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। इस शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान करने पर मैं श्री गुरु तेज बहादुर गुरुद्वारा गोविंदपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट का और सभी आयोजकों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत करके आज का यह स्वरूप दिया है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपके समक्ष आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और इसके महत्व को उन्होंने रखा है, जिसे आप लोगों ने अच्छी तरह सुना और समझा भी है। मेरे बोलने के लिए कुछ है नहीं, बोलूं तो क्या बोलूं, लेकिन एक औपचारिकता के कारण मुझे कुछ न कुछ बोलना ही पड़ा। कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा,
मनुष्य जो है, मनुष्य की सेवा जो करता है, जो कष्ट में है, तकलीफ में है, अगर उसकी सेवा करता है, उसी को कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा। नारायण माने भगवान, भगवान की पूजा जो करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो समझा जाता कि भगवान की पूजा करके हमको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन गरीबों की सेवा जो करता है, सबसे बड़ी सेवा वही है। गुरु तेज बहादुर गुरुद्वारा गोविंदपुर चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस कहावत को बखूबी चरितार्थ किया है। उन्होंने गुरु कृपा निवास मुहिम के तहत गरीब, असहाय, लाचार व विधवाओं के लिए मकान बनाने की मुहिम शुरू की है। गरीबों के लिए मकान बनाने का यह संस्था जो है, काम जो शुरू किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। बेसहारा इंसान की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर मानी जाती है। मंदिर मस्जिद चाहे जिस भी गुरुद्वारा में जाकर जब पूजा करते हैं ना, तो भगवान की सेवा कहा जाता है। उसी के बारे में कहा कि बेसहारा जो बेचारे को खाने का अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए कोई मकान नहीं है, ऐसे लोगों को मदद जो करता है, उसी को सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर मानी गई है। खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ही समाज को यही संदेश दिया था और कहा था, खालसा सोच जो निर्धन को पाले। उन्होंने क्या कहा था, खालसा सोच जो निर्धन को पाले, यानी असली खालसा वही है जो निर्धन की सहायता करता है। निर्धन को सहायता करने के लिए इस पंथ ने बताया, सभी धर्म गुरुओं, संतों और महाराज पुरुषों ने अपनी वाणी में समाज के कल्याण का संदेश दिया। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कल्याण का संदेश नहीं देता है। तो जो गरीबों को उपकार करता है, वही सबसे बड़ी भगवान की सेवा है, वही सबसे बड़ी पूजा है। धर्मों के बारे में, संतों के बारे में अगर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, चाहे वो कोई भी संत हो जो अच्छे काम करते हैं, जिसमें विशेष अध्ययन करने से आपको समझ में आएगा कि संत श्री गुरु रविदास महाराज जी पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। संत श्री गुरु रविदास जी पूरे मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। उनका कहना था, कैसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने ऐसे समाज की कल्पना की है जहां सबको भोजन मिले, कोई भी भूखा न रहे, कोई भी भूखा न सोए, और छोटे बड़े की कोई भावना न रहे, सभी मनुष्य समान है। भगवान ने जो सृष्टि बनाया है ना, मनुष्य जितने हैं सभी बराबर हैं, ऐसा भावना रख करके समाज की सेवा करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर है, लेकिन मानव तो है ना, इसलिए उसकी सेवा करने के लिए एक पंक्ति उन्होंने कहा है। भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक लगातार प्रतिदिन 21 घंटे मेहनत कर संविधान की रचना की। जिस समय आज़ादी मिली थी, संविधान लिखने वाला कोई विद्वान नहीं था, एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने कहा कि इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान कोई नहीं है, इसलिए इनके जिम्मे दे दिया जाए। उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद प्रतिदिन 21 घंटे मेहनत करते हुए 18 दिन 11 महीना समय उन्होंने दिया
और संविधान की रचना उन्होंने किया, इसको आप संविधान पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि बाबा साहब भी गरीब समाज में आए थे। आदमी गरीब होता है लेकिन विचार जब बहुत बड़ा होता है तो अध्ययन उसके मुताबिक करता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संतों महापुरुषों के विचारों से ओतप्रोत होकर संविधान में समानता का अधिकार दिया तथा गरीबों पिछड़ों और समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है। और शिक्षा एवं सरकारी सेवा में आरक्षण, आज देश के अंदर में भारत वर्ष में जो आरक्षण मिला है ना पढ़ाई में और सब चीज़ों में, उसका मुख्य कारण है बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान में रचना की थी जिसे लोगों को मानना पड़ा आज चल रहा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का काम किया, शिक्षा एवं सरकारी सेवा में आरक्षण दिलाया, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए तीन सूत्र दिए थे। तीन, वो सूत्र क्या था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन सूत्र का विश्लेषण करके जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि शिक्षित बनने से क्या फायदा है। जब तक शिक्षा नहीं होगा आप शिक्षित नहीं होंगे, न अपने को समझ पाएंगे, न समाज को समझेंगे, न देश को समझेंगे, न कर्तव्य को समझेंगे। इसलिए बाबा साहब ने पहला सूत्र दिया शिक्षित बनो, और तब उन्होंने कहा संगठित रहो। जब तक संगठित नहीं रहेंगे कोई काम कर नहीं सकेंगे। जैसे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, जब भारत के लोग एकत्रित हो गए और संगठित होकर संघर्ष उन्होंने किया तब जाकर आज़ादी मिली। इसलिए उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और उसके बाद संघर्ष में सारे देश के लोग एक होकर के लगे तब जाकर संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। ये हमारे बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी बात को मैंने आपको दोहरा करके कुछ कह रहा हूँ। देश के अंदर में बड़े बड़े विद्वान, समझदार, प्रकाशक और उपदेशक हुए हैं। मेरे पूर्व के वक्ता में कुछ लोगों का नाम भी लिया है और उस नाम को दोबारा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि मनुष्य सब जब बराबर है तो गरीब के बाल बच्चे जो गांव में रहते हैं जिसको घर पे भोजन नहीं मिलता है, वस्त्र नहीं मिलता है, वो ऐसे परिवार को शिक्षित बनाना, पढ़ाना और पढ़ा करके उसे आदमी बनाकर कर्तव्य का बोध कराना, ये काम है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने एकात्म मानव बाल अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब होता है कि जो अंत में है उसका उत्थान करना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस बात को कहा कि गरीबों का उत्थान करो, उत्थान करने से समाज बढ़ेगा, मजबूत होगा और सब चीज़ों को समझने की शक्ति उसको होगी। उसने इतना तक कहा है शिक्षा को व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, माने शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग मिल करके इस काम को अंजाम आप दिया। किसी के दिमाग में कल्पना हुई कि गरीब जो है और उसको जो है मदद होनी चाहिए, मदद करने वाले समाज में बहुत पैदा हुए हैं लेकिन करने वाले लोगों में बहुत कम होता है, और जो करता है वही संत शिरोमणि होते हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ हमारा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन कल्याण के लिए एक योजना चलाई है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आप भी इस काम को कर रहे हैं ना। अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि जन कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना,
प्रधानमंत्री आवास योजना 2019, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, हेल्थ इज वेल्थ, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, सबका स्वास्थ्य सबका विकास और सबका विश्वास, शौचालय योजना, इसी तरह से विद्युत कनेक्शन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, फिट इंडिया योजना, मानक योजनाएं जितनी चली है ना, इस योजना को अगर ठीक तरह से लागू किया जाए तो हमारे देश में गरीबी आवश्यकताओं का जितना ज़्यादा है वो भी ठीक हो सकता है। और इसी योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री युद्ध स्तर पर लागू किया, क्षेत्रों में एक नंबर है। हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रधानमंत्री की जितना योजना थी ना उसको लागू किया, लागू करने से प्रांत को काफ़ी लाभ हुआ, जिसके कारण प्रांत आज बहुत से योजनाओं में एक नंबर पर हैं, जैसे कृषि योजना, पशुपालन, मोबाइल, खेलों, जब सेना इत्यादि। प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्षों के आवास इकाइयों का निर्माण करवाना करवाया जा रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री की आवास योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिसके कारण हमारा देश मजबूत होगा और हरियाणा एक नंबर का प्रांत आ जाएगा। मैं आप लोगों के बीच में यह कहना चाहूँगा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने सारी बातों को तो कह दिया, मैं भी अब संक्षेप में ही अब कहना चाहूँगा कि सबको प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि मेरा देश मजबूत रहे, मेरा प्रांत मजबूत रहे, पढ़ाई लिखाई में सभी एक हो, गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, एक दूसरे को मदद करना चाहिए। हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि प्लास्टिक के बर्तन का कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सरकार की भी योजना है। मैं बचपन में भी देखता था कि जैसे गरीब लोग हैं ना, उसके घर में अगर शादी है, किसी तरह का कार्यक्रम सार्वजनिक है, तो बर्तन उसको भोजन बनाने के लिए था नहीं, तो लोग चंदा करके बर्तन खरीद के लाते थे और उसमें बर्तन बनाकर लोगों को खिलाते थे। तो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक पर रोक लगा दिया ना, अच्छा किया। और अब हमारे गांव और देश के समाज के लोगों में ये जागृति आई है कि दान करना चाहिए, दान करने में बर्तन लेकर भोजन बनाने का बर्तन हो, खाने का बर्तन हो, इत्यादि इत्यादि। तो दान करने से भी मनुष्य का दिमाग ऊंचा होता है और उसको सबक मिलता है, जो दान करेगा उसको भगवान गुणवान नहीं करेगा। इसलिए पूजा पाठ जब भी हो, किसी भी लोग करते हैं तो भगवान का नाम लेकर के दान करते हैं, दान प्रवृत्ति जो है ना भारतवर्ष में बहुत पहले से आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने फंड से आपको इसे निर्माण करने के लिए कुछ कार्यकर्ता ही कहीं के कोई आए थे, 5-7-8 वर्कर आकर के हमसे उन्होंने अनुरोध किया कि राज्यपाल जी ऐसा ऐसा है, आप हमको कुछ मदद कीजिएगा तो गरीब का उकार होगा। मैंने जो हो सकता था कुछ दिया। आज उद्घाटन करके देख रहे थे ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि कम से कम यहाँ के लोग में एकता है और एकता रहने के कारण बढ़िया मकान बन गया। इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं और उस घर में रहने वाले लोगों को भी। इसमें हमें ये थोड़ी जानकारी मिली थी कि वो धर्म परिवर्तन का और भी लोग चल रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकता रखिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था, संगठित रहो, संगठन में शक्ति है, संगठित रहिएगा तो एक मकान नहीं अनेकों मकान बन सकता है। जैसे हमारे शिक्षा मंत्री ने 5 लाख रुपया दे करके अनाउंस किया ना, तो ऐसा करने वाले बहुत है, विधायक से लेकर MP तक देगा, नहीं तो दान दाता है वो उसके पास जाइएगा तो वो भी दे देगा। और मैं तो दे चुका हूँ ना, भविष्य में और ऐसा कुछ होगा
तो मैं आप मदद करूँगा। हम इतना ही कह करके मैं आप सबों को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को कहीं पर बंद करना चाहता हूँ। मैं पूरा एक बार आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज इस एरिया के पदाधिकारी चाहे कलेक्टर हो या एसपी हो, इस सब लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा जाता है गरीबों के महल्ले में मकान बन रहा है, पीने का पानी का साधन दे रहा है, तो कह देगा कि जमीन जो सरकार का है इसलिए यहाँ नहीं बने, तो गरीब बेचारा क्या करे, उसको मदद करने वाला कोई आदमी मिलता नहीं। लेकिन इसमें मदद करने वाले लोग जो गए थे ना, काफ़ी मेहनत करके इस मकान को बनवाया, इसलिए विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूँ और सबों को अभिनंदन करके अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद, उन्होंने होगा इसमें सब खड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.